एंड इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो. आज की वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि स्लीक परफेक्ट शाइनी हेयर जो है स्ट्रेट करने का तरीका. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा स्लीक शाइनी और डेड स्ट्रेट हुए हैं इस टाइम, और बिल्कुल भी बालों में कोई फिजीनेस नहीं है. बेबी हेयर कहीं से भी खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, जो खड़े हो जाते हैं इस तरह करके बहुत बुरे लगते हैं वो बाल जो छोटे छोटे से निकले हुए होते हैं. नीटनेस नहीं होती स्ट्रेट करने में. और स्पेशली बहुत सारी लड़कियों की ये कंप्लेन होती है कि हम लोग बाल तो स्ट्रेट कर लेते हैं लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हमारे बाल जो हैं दोबारा से वेवी होना शुरू हो जाते हैं, कर्ल्स चलना शुरू हो जाते हैं, उनमें जो नेचुरल टेक्सचर होता है बालों का वो अगेन दोबारा से आना शुरू हो जाता है. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट करना है, कौन सा स्ट्रेटनर बेस्ट है आप लोगों के बालों के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हेयर के ऊपर आपने कौन सी ऐसी चीज़ अप्लाई करनी है जिससे आपके बाल जो हैं वो हीट से प्रोटेक्ट भी रहेंगे, आप लोगों के बाल जो हैं वो फिजी भी नहीं होंगे, और ये जो बेबी हेयर होते हैं वो खड़े भी नहीं होंगे. और उसके अलावा आप लोग ऐसी कौन सी चीज़ अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो आपके बाल डेड स्ट्रेट रहेंगे अनटिल आप जब तक नहा नहीं लेते. नहाओगे नहीं तब तक आपके बाल जो हैं इसी तरह डेड स्ट्रेट रहेंगे, ये मेरी गारंटी है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके जी, तो आपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम करने के बाद दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ. पतले पतले आपने स्ट्रेट्स लेने हैं बालों के. मोटे स्ट्रेट्स लेंगे तो बाल आपके सही से स्ट्रेट नहीं होंगे. 190 डिग्रीज़ के ऊपर मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा हीट मैं नहीं लगाती अपने बालों को क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे. और पतले पतले सेक्शंस में आप जब इस तरह से स्ट्रेट करेंगे लो हीट पर तो आपके बाल डेड स्ट्रेट होंगे. आप लोग देख सकते हैं कि शाइन कितनी अच्छी आ रही है, स्लीक स्ट्रेट हुए हैं मेरे बाल. एंड आई एम सो इन लव विद दिस स्ट्रेटनर, ये कमाल का स्ट्रेटनर है. ओके जी, तो मैंने अपने दोनों सेक्शंस को स्ट्रेट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से. आप लोग देख सकते हैं कि शाइन कितनी ज़बरदस्त मेरे बालों में आ रही है. ये स्ट्रेटनर बहुत ही ऑसम है. आई एम सो इन लव विद दिस स्ट्रेटनर. और साथ ही साथ आप लोगों को ये स्लीकनेस खुद नज़र आ रही होगी के बाल कितने अच्छे तरीके से जो है मेरे स्ट्रेट हुए हैं. ये स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, मेरे बालों को इसने बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया और शाइन भी प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छे तरीके से इसने स्ट्रेट भी किया है. छोटे छोटे यहाँ पे बाल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे से जो बाल हैं इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये सही तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पाते और थोड़े से फिजीनेस आ जाती है. लड़कियों की कंप्लेन ये होती है कि बाल हम लोगों ने स्ट्रेट तो की हैं लेकिन अभी भी बहुत फिजी हो रहे हैं, छोटे जो बेबी हेयर हैं वो बैठ नहीं रहे हैं. तो उसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं रिकमेंड करने वाली हूँ. ये है एंटी फ्रिज हेयर सीरम बाय ग्लैम क्लियर. ये थोड़ा सा आप इस तरह से अपने हाथों पर लें और आप लोगों ने इस तरह करके बालों के ऊपर जो बेबी हेयर है ना उन पर आप ऐसे कर दें. ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके बालों में ना और ज़्यादा शाइन आ गई है. अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कितना इसने एकदम मेरे बालों में शाइन जो है वो डाल दी है. ये हेयर सीरम बहुत ही फिट है, इसने मेरे बालों के अंदर जो है वो शाइन डाल दी है. ये आप लोग देख सकते हो. इस तरह करके आप अपने बालों के ऊपर स्ट्रेट करने के बाद लगाएंगे तो आपके बालों में शाइन भी आएगी. और जो बाल छोटे छोटे से जो बेबी हेयर होते हैं ये वाले, ये बैठ जाएंगे. ये फिजीनेस कंट्रोल करता है ये वाला जो सीरम है. आपने सिर्फ इसको इस तरह करके लगाना है और आपके जो बालों में शाइन आएगी ना कमाल की. और ये हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है. आप इसको बिफोर स्ट्रेटनिंग भी यूज़ कर सकते हैं. मैं बिफोर स्ट्रेटनिंग यूज़ नहीं करती इसको लेकिन बाल में मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ ताकि ये बालों में इस तरह से शाइन आप लोग देख सकते हो कि कितनी फिट शाइन आई है. आई होप आप
आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस तरीके से अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे और ये सिरम अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में शाइन भी आएगी, आपके बालों के जो छोटे छोटे जो आपके बेबी हेयर होते हैं वो जो फिजीनेस से आ रही होती है और वो जो बैठते नहीं है जो छोटे छोटे बाल यहाँ पर होते हैं, तो अगर आप इस तरह से बालों को स्ट्रेट करेंगे, सिरम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ही शाइनी स्लीक तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बाल आप लोगों के तब तक स्ट्रेट रहेंगे जब तक आप लोग वॉश नहीं करेंगे अपने बालों को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोग हेयर केयर के रिलेटेड और हेयर्स के रिलेटेड कौन कौन सी और सजेशन देने, किस टाइप की वीडियोज आप देखना चाहते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।